मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या बात कर लो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं बिल्कुल कंफर्म है इसके। इनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बीच में 10,000 वोट से पीछे थे नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे। 2 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई, मेरे ख्याल फोन किया गया होगा भाई क्या कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री को हरा रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप लोग, 10,000 वोटों से पीछे थे मोदी जी। यही जो तड़ीपार व्यक्ति थे गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार में चिल्लाते थे नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। तो नीतीश जी एक तरफ उस बयान की तरफ ध्यान देना, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब इनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, ये ऐसे निकलेंगे। ये स्मृति ईरानी, और ये कहती थी कि राहुल जी बलि का बकरा मेरे पास छोड़ गया कुर्बान होने के लिए, उसी बकरे ने ऐसे सींग मारे गोवा में जाके बैठ गए। अब जाके गोवा में रेस्टोरेंट में पकौड़े तले, राजनीति इनकी खत्म है। तो मोदी जी टाटा बाय बाय, अब गुजरात जाइए बोरिया बिस्तर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और अभी हम हैं कांग्रेस कार्यालय में, और देश में चुनाव हो चुके हैं और अब चुनाव के बाद सरकार बनाने की कवायद चल रही है। मलिक साहब आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। आप में सभी को नमस्कार, मेरा भी आपको नमस्कार, सोशल मीडिया को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा रोल रहा इस लड़ाई में, और इस लड़ाई में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा। और राहुल जी ने एक बात कही थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि दलितों का, पिछड़ों का और जितने भी आदिवासी लोगों ने देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाया, बहुत अच्छी बात की। उसके राहुल जी को मैं सलूट करता हूँ, बहुत अच्छी बात की। और दूसरी तरफ, और इतनी शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल तक रहा था, 10 साल तक रहा, उसको 1.5 लाख वोट मिला, सिर्फ 1.5 लाख वोट, सिर्फ 1.5 लाख वोट, कितनी शर्म की बात है। 10 साल से जो देश का प्रधानमंत्री देश को लूट रहा था, राष्ट्र निर्माण का विनाश कर रहा था, जीत गए हैं। सुनिए, आपको पता बीच में 10,000 वोट से पीछे थे नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे। 2 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई, मेरे ख्याल फोन किया गया होगा भाई क्या कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री को हरा रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप लोग, 10,000 वोटों से पीछे थे मोदी जी। तो गिनती में तो ऐसा होता रहता है, आप इस बात पे आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा, आप अलग तरह की खुशी मना रहे हैं? मेरी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल से रहे 1.5 लाख वोट, और राहुल जी जो सांसद रहे रायबरेली से 3.5 लाख वोट, वायनाड से 3.5 लाख लोग, कितना लोग प्यार करते हैं। और देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहे, लोगों को जुमलेबाजी झूठ बोलता रहा, बैंकों में खाते कहता मैं डालूंगा, खाते तो अब डालेंगे 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खटाखट, 1 लाख रुपया साल के खटाखट खटाखट ये भरेगा, ये डर राहुल जी ने कहा है, ये जुमलेबाज। तो सरकार बनेगी तभी तो, सरकार बनेगी कैसे? ऐसा है रंजन जी, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या बात कर लो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है इसके। इनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नितिन गडकरी जी नहीं चाहते प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी चाहते प्रधानमंत्री ना बने, वसुंधरा जी कहते हैं प्रधानमंत्री ना बने, शिवराज जी कहते हैं प्रधानमंत्री, जितने सीनियर लीडर हैं वो भी चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि झूठ पर 1.5 लाख, एक देश के प्रधानमंत्री 1.5 लाख है, इतना बड़ा मुल्क, 140 करोड़ का देश का मुल्क, और प्रधानमंत्री जो 10 साल से रहा, जुमलेबाजी करता रहा, झूठ बोलता रहा, ना बेरोजगारी पे बोलता है, ना महंगाई पे बोलता है, ना घोटालों पे बोलना, ना किसी सवाल का जवाब देना, कोई भी सवाल करो जवाब है नहीं, ना मीडिया से बोलना। सवाल ले लीजिए कि खैर ये आपके लिए बड़ा अच्छा है कि वो जीत कर भी खुशी नहीं मना पा रहे हैं और आप हार कर भी दुखी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के लोगों की खुशी है, ये देश के लोगों का है, देश ने चुनाव लड़ा है, पार्टियों का तो गठबंधन था, उन्हीं गठबंधन का देश का पूरा समर्थन मिला, और इनकी अपनी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला। 400 छोटे बड़े नेता, जब देखो किसी से मिलो, पान की दुकान पे मिलो, मार्केट में 400 मोदी जी, 400 मोदी जी, 400 ना 300 ना 200 ना 272 कहाँ मैंडेट गया, 10 साल काम किया 272 नहीं ले आए भाई, 240 पे हैं, इससे शर्म तो नहीं खराब हो गई है? कहीं भी हम तो नहीं खराब हो गई, अभी वो लोग शिकायत करने पहुंच जाए तो क्या कहेंगे? देश के लोग जागरूक हो गए कि ये जो जुमलेबाजी झूठ बोलते हैं इनसे दूर रहो, सावधान रहो, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और आपके
इसके लिए संविधान के लिए भी खतरा है। वो देश के गरीब लोगों ने, पिछड़े, दलितों ने, सब ने वोट देकर उसको सुरक्षित कर दिया, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी पे चुनाव लड़े, महंगाई पे लड़े, ना इनको हिंदू चला रहा, धार्मिक उन्माद फैलाते रहे, धार्मिक प्रचार फैलाते रहे, कुछ काम नहीं आया, ना इनका हिंदुत्व काम आया, ना राम मंदिर काम आया। जो सरकार ने अयोध्या में मंदिर तोड़े उसके लिए इनका हिंदुत्व कहाँ था? और ये कितने शर्म की बात है, कहते जी हिंदू खतरे, सरकार तुम्हारी 10 साल से सरकार तुम्हारी और हिंदू खतरे में, कमाल है भाई, इतने जुमलेबाजी, इतना झूठ कहाँ तक चलेगा? लोगों ने एक झूठ की सीमा होती है तो झूठ पे झूठ बोलते जाते हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये स्मृति ईरानी जी के बारे में बड़े ढोल पीटती थी, राहुल जी चले गए यहाँ से, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय राजीव जी के टाइम पे काम करते हुए, गली मोहल्ले में, कूचे में, सब जगह काम करने वाला व्यक्ति KL शर्मा जी 2.5-3 लाख वोट से जीत गए। और ये कहती थी कि राहुल जी बलि का बकरा मेरे पास छोड़ गया कुर्बान होने के लिए, उसी बकरे ने ऐसे सींग मारे गोवा में जाके बैठ गई। अब जाके गोवा में रेस्टोरेंट में पकोड़े तले, राजनीति इनकी खत्म है। अयोध्या कैसे जीते आप लोग? अयोध्या लोग हमारे काम से, हमारे काम बोलते हैं भाई, हमारे काम बोलते हैं, हम लोगों ने काम किया है, राहुल जी ने काम किया है, सच बोलते हैं। मैंने कहा ना राहुल जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा करी, आपका मणिपुर से वहाँ करा, सब कुछ करा, तो वही लोगों के जो व्यूज थे, लोगों की बातों को हमने मैनिफेस्टो बनाया, लोगों ने उसको माना, हमने लोगों की बातों को माना, क्योंकि देश की जनता सर्वोपरि है, सॉरी देश को हम मानते हैं, पहले देश के लोगों को मानते हैं, ये तो अपना स्वार्थ है, ये तो स्वार्थी लोग हैं, जहाँ अपना इनका स्वार्थ हुआ वहाँ ये अपना स्वार्थ को खत्म कर देंगे, ये स्वार्थी लोग हैं। और मैं माननीय नीतीश जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, और उसी बिहार में यही जो तड़ीपार व्यक्ति थे गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार में चिल्लाते थे नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, तो नीतीश जी एक तरफ उस बयान की तरफ ध्यान देना, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जब इनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, ये ऐसे निकालेंगे। इस पर लोगों ने भी तो उन्हें इंडिया गठबंधन से निकाल दिया था ना, वो तो चाहते थे आपके साथ रहना, उनकी कुछ डिमांड्स होगी, आप लोगों ने पूरी नहीं की होगी। हमें उनकी क्या बातें, कोई मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उन्हें नहीं पता क्या बात क्या नहीं, लेकिन मैं उनका ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके बयान को देखो कि कैसे कैसे ये लोग हैं। तो बाकी देश चाहता है अच्छा होगा, देश चाहता है भलाई, देश अपने भलाई चाहता है, देश की महंगाई दूर करना चाहता है, बेरोजगारी दूर करना चाहता है, तो हम ये चाहते हैं। और सरकार तो इंडिया गठबंधन बनेगी, मोदी जी की नहीं बनने वाली, कोई देश के लोग मोदी जी को नहीं बनाना चाहते, इनके पार्टी के लोग इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। 272 कहाँ 200 तक तो लाए नहीं, क्यों झूठी बातें करते हो? तो मोदी जी टाटा बाय बाय, अब गुजरात जाइए बोरिया बिस्तर लेके। सरकार आप लोग बना रहे हैं? बिल्कुल बनेगी सरकार, बाकी जो नेताओं को जो होगा हम तो देखो फॉलो अप करेंगे, हम तो जमीनी कार्य करते हैं, कांग्रेस के जमीनी कार्य करते हैं। नीतीश जी से बात हो रही है पर्दे के पीछे से? देखिए सुनिए, मैं जमीनी कार्य करता हूँ कांग्रेस का, दिल्ली प्रदेश का हमारे अध्यक्ष हैं अपने देवेंद्र यादव जी, हमें जो निर्देश देते हैं हम उस पर काम करते हैं, हम जमीनी कार्य करते हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की चीजें आप भी जान रहे हैं। हम तो कहते सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, बड़े नेताओं का क्या फैसला, हम मैं नहीं कह सकता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं। मैं जो कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन की बात होगी उसको फॉलो करके गली मोहल्ले सब जगह पहुंचाऊंगा, वो मेरा काम है। तो इंडिया गठबंधन सरकार, तो सरकार ने वादे क्यों पूरे होंगे? ठका ठक ठका ठक ठका ठक, देखिए 8,500 रुपया खटाखट और फटाफट, 1,00,000 रुपया साल का खटाखट फटाफट, महिलाएं भी खुश सारे। और एक चीज आपको और बता रहा हूँ, रोजगार भी मिलेगा, महंगाई दूर होगी। एक बात आपको और बता रहा हूँ, ये बादलों में भी घूम के आए कुछ नहीं मिला, पानी में डुबकी में लगाए कुछ नहीं मिला, धार्मिक प्रचार करा कुछ नहीं मिला, लेकिन 15 अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त 2024 लाल किला की प्राचीर से माननीय श्रीमती राहुल गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपुत्र, श्रीमती सोनिया गांधी जी के सपुत्र, श्रीमती लेट इंदिरा गांधी जी के पोते लाल किला की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे खटाखट फटाफट 15 अगस्त 2024 को। इस बात को याद रखें, राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे सर। अच्छा ये बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ प्रदर्शन और बेहतर होता है, MP और गुजरात में आप लोग उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना होना चाहिए? देखिए जनता का जो
आदेश हम मानते हैं, सर पर ही जनता है, हम इनकी तरह नहीं, वहाँ से वोट नहीं मिला तो उसको काम ना दो, उसको पैसे ना भेजो, हमारी वो प्रवृत्ति नहीं है। जनता का जो भी आदेश है सराओं को पे, ऐसे हमारे श्रीमती श्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था, हमें जब आदेश नहीं मिला था पूरा वो नहीं मिला था गठबंधन, वो नहीं हुआ सरकार नहीं, तो राजीव जी ने कहा था हमें लोगों ने नहीं चुना, हम ओपोजिशन में बैठेंगे। ये होती दरियादिली, ये तो तानाशाही, गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती, ये नहीं चलती। देश धर्म निरपेक्षता वाला लोग हैं, इस देश में सभी धर्मों के लोग हैं, जो लोग चुने उसकी बात को मानो। तो मोदी जी टाटा बाबे, गुजरात जाइए, बोरिया बिस्तर लपेटिए जाइए। चलिए, आपने हमसे बात की तो आपने सुना अरुण मलिक साहब को, जिन्होंने अपनी बात रखी। हर मुद्दे पे उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, और यहाँ तक वो दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त 2024 को जो है झंडा वो राहुल गांधी ही लहराएंगे। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, जनहित आवाज़।